और सबसे पहले बात एसओजी के एक्शन की। जयपुर से खबर है, एसओजी का एसआई पेपर प्रकरण को लेकर लगातार एसओजी की छापेमारी जारी है। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर सहित कई जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है और ऐसे में एसओजी ने कई जगहों से हिरासत में लिया है अंडर ट्रेनिंग एसआई को। किशनगढ़ में ट्रेनिंग कर रही महिला एसआई चंचल विश्नोई को हिरासत में लिया गया है। आरपीटीसी में ट्रेनिंग कर रही महिला सब इंस्पेक्टर चंचल विश्नोई जिसे हिरासत में लिया गया है। वही आपको बता दें कि एसओजी की कार्रवाई की स्थानीय पुलिस को भी भनक नहीं लगी। पेपर लीक गैंग के सदस्य हर्षवर्धन मीणा से हुई पूछताछ और उसके आवास से बरामद दस्तावेजों के आधार पर जगह जगह एसओजी कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ जो ट्रेनी एसआई है उन्हें भी राउंडअप कर रही है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा ये पूरा मामला है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य आरोपी हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी के स्थान पर भी डमी कैंडिडेट को बैठाकर परीक्षा पास करवाई थी, लेकिन फिजिकल टेस्ट के दौरान हर्षवर्धन की पत्नी बाहर हो गई और ऐसे में अब 2 दर्जन से ज्यादा एसआई ट्रेनी जो हैं उनसे एसओजी पूछताछ कर रही है। तो आज की कार्रवाई को लेकर एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने जी राजस्थान से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इसमें 15 जो अंडर ट्रेनिंग एसआई है उनको एसओजी ने हिरासत में लिया है और अभी यहाँ पे हमारे साथ जो एसओजी के एडीजी हैं वीके सिंह सर वो मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई, 15 जो अंडर ट्रेनिंग एसआई उनको हिरासत में लिया गया, क्या पूरा मामला जानना चाहेंगे सर? ये जो हमें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक से संबंधित जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं हाल फिलहाल, उनसे पूछताछ में यह सामने आया था बात कि जो 2021 का आरपीएससी का सब इंस्पेक्टर परीक्षा हुआ था उसमें इस गैंग ने पेपर आउट करके और विभिन्न लोगों को की समेत उपलब्ध कराया था जिसके बेसिस पे वो परीक्षाओं में सेलेक्ट हुए हैं। उसमें से ऐसे कुल 20 लोग आइडेंटिफाई हुए थे जिसमें से कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है। कुछ लोग रिपोर्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी पुलिस एकेडमी में ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं। अधिकांश पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे थे, तो प्रशिक्षण लेने वालों में एक जो आरपीटीसी किशनगढ़ में प्रशिक्षण रत थी लेडी उनको और बाकी 14 लोगों को जो आरपीए में प्रशिक्षण रत थे इनको आज हिरासत में लेके गहन पूछताछ चल रही है। तो देखिए, एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने ये जानकारी दी कि तमाम जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी, राउंडअप भी लोगों को किया जाएगा और इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचा जाएगा। भाई आपको बता दें कि लगातार जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर में कार्रवाई जारी है एसओजी की। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा ये पूरा मामला। चलिए खबर पर, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा मामला, एसओजी लगातार दबिश दे रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कितने लोगों को राउंड अप किया गया है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 है उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इसमें जो नकल गिरोह है उसके जो कुछ लोगों को अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया था, उनसे जो पूछताछ हुई उस आधार पर आज 15 जो प्रशिक्षु एसआई हैं उनको डिटेन किया गया है जिनसे अभी एसओजी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। किशनगढ़ से एक लेडी प्रशिक्षु एसआई को डिटेन करके जयपुर लाया गया है, वहीं जो बाकी 14 प्रशिक्षु एसआई हैं उनको राजस्थान पुलिस अकादमी से राउंडअप किया गया है और हिरासत में ली गई इन तमाम जो प्रशिक्षु एसआई हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन्होंने कितने राशि खर्च करके जो पेपर है वो प्राप्त किया था पेपर से पहले और किस गिरोह से इन्होंने इनके द्वारा पेपर प्राप्त किया गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे पूछताछ जो है वो जारी है। इसके साथ ही बड़ी तादाद में डमी कैंडिडेट बिठाकर भी जो परीक्षा है वो पास कराई गई थी। अभी हाल ही में जो जेईएन भर्ती पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें से एक आरोपी ने अपनी पत्नी को भी
डमी कैंडिडेट बैठाकर इस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा उसमें पास करवाया था। हालांकि जो फिजिकल टेस्ट होता उसके अंदर उस आरोपी की पत्नी पास नहीं हो पाई थी, जिसके चलते उसका चयन नहीं हुआ। तो अब एसओजी ये जांच कर रही कि ऐसे और कितने लोग हैं जिनके स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठे थे, उन्होंने परीक्षा पास की और फिर फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद वो इस बैच में आए, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती का जो बैच है वो काफ़ी बड़ा बैच है, 600 से भी ज़्यादा जो प्रशिक्षित ऐसा ही है वो उसके अंदर शामिल है। तो ऐसे में अब एसओजी इस